ही गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन रेडिकल रेड रैंडमाइजर वर्जन में। तो गाइज लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफीट कर दिया था मिस्टी को, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आ चुके थे बिल के पास, मतलब बिल का जो मिशन था वो हमने पूरा कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो बग्जी था उसके साथ हम लोगों ने बैटल की थी लेकिन वो हम लोग हार चुके थे। तो दैट्स वाई आज की एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग इसको हराएंगे, देन आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड उससे पहले गाइज अगर आपने अब तक लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा था पोकेमॉन लास्ट, इसका नहीं बोल रहा हूँ रेडिकल रेड का नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फायर एश जो कि कल आया था एपिसोड, वो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उस पर आई गेस उसकी नोटिफिकेशन सबके पास गई नहीं। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप लोग उस एपिसोड को देख लेना। एंड हाँ, आज ही ये एपिसोड आ रहा है, फिर इसके बाद कल फारश आएगी। एंड हाँ, अभी मैं कंटिन्यू करने के लिए, मतलब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ तो मैं वीडियोस कंटिन्यू करने वाला हूँ गाइज। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने, मतलब मेरी, मतलब आप लोगों ने कमेंट्स करके इतना मेरे को दिखाया कि आप लोग मेरी मतलब बहुत केयर करते हो, सो गाइज थैंक यू सो मच। और चलो बैटल करेंगे बग्जी के लिए। मैंने मेरी टीम में एक ही चेंज किया है, मैं टैंक को ले लिया है, एंड जो वो जो पोकेमॉन था मैंने लिया था उसका नाम याद नहीं आ रहा है तो मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया, और मैंने मेटैंग को लिया। इसके साथ ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं कर पाया, बट या बाकी पोकेमॉन्स को लेवल 30 तक मैंने ट्रेन कर दिया है। एंड इसको हराने के लिए मेरे पास एक अलग से स्ट्रैटेजी लगाया हूँ मैं, मतलब ज़्यादा भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है बट डिसेंट स्ट्रैटेजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लेना। बस ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा था ये लास्ट एपिसोड में। एंड इसमें वो यही बोलता है कि मैं जोटो से आया हूँ एंड मैं बग टाइप हूँ, तो बग टाइप जिम लीडर हो तो ये मत समझना कि मैं वीक हूँ, ऐसा कुछ तो बोलता है। बट या ओके, कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरे को भी काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस दिए मैं इसको कैसे हराऊं, तो मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। इसका सबसे पहला पोकेमॉन आ रहा है एक अरियाडॉस जो भी इसका नाम है। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो रॉकटॉम यूज़ करेंगे क्योंकि रॉकटॉम से अगर हिट हो जाता है तो इसकी स्पीड भी गिर जाएगी। इसका पॉइजन फैंग आ चुका है, होपफुली मैं पॉइजन ना हो जाऊँ, एक नंबर गाइज मैं पॉइजन भी नहीं हो चुका हूँ। अभी एरियल इसके साथ इसको ख़त्म करेंगे। ओके, इसने शेडो स्निक कर दिया क्योंकि जाते जाते मतलब एक काइंड ऑफ हमला देके गया, बट कोई बात नहीं। अभी हम लोग इसका एक लेडियन आ रहा है, लेडियन के लिए हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेटैंग को आगे रखेंगे एंड इसको मैं एज अ बेट यूज़ करने वाला हूँ। आई नो ये सेक्रीफाइस होने वाला है बट ब्रो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम लोग सुपर पोशन का यूज़ कर लेंगे एंड इसकी ड्रैकोल्स की हेल्थ मैंने फुल कर दी। हाँ मुझे पता है अभी ये इसको थोड़ा सा डैमेज पड़ने वाला है, एक काम कर लेता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, वेट आई गेस कन्फ्यूजन ट्राई कर, कोई बात नहीं ये तो चला जाएगा। मैं टैंक तूने मतलब सेक्रीफाइस कर दिया बट कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ लेडियन के लिए भी मैं ड्रैकोल्स का यूज़ करना पसंद करूँगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड एरियल एस यूज़ करेंगे। ओके, इसने आइस पंच कर दिया बट कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, ये वन शॉट किल हो सकता था बट एक एचपी पे सर्वाइव कर गया, बट ठीक है हम इसको भी सर्वाइव कर गए, नाइस यार। ड्रैकोल्स, दोनों पोकेमॉन को ड्रैकोल्स ने हरा दिया काफ़ी इजीली। और अभी इसका आएगा साइथर आएगा। ओके, सीजोर आ रहा है। सीजोर के लिए आप लोगों ने मेरे को बता दी कि मैं चार्मेलियन का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये आयरन एंड बग टाइप है, आयरन नहीं स्टील एंड बग टाइप है जो कि आइस के सामने 4 times सुपर इफेक्टिव होता है मतलब। एंड मेरे को ये फ्लेम बस्ट अटैक भी मतलब सीखा मैंने, एंड फ्लेम चार्ज का टीएम मिला था मुझे वो रस्ते से रिटर्न जाते समय, थैंक्स टू यू गाइज मुझे आपने बताया। बट हम लोगों ने फ्लेम बस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी सुपर इफेक्टिव अटैक है। ओके, इसके पास एक सिट्रस बेरी हो गया आई गेस। हाँ, यू टर्न से इसने पोकेमॉन चेंज कर लेगा। वेट, मेरे को भी पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा फिर तो। मैं डोरालोडॉन को आगे रखूँगा। शॉर्ट डांस, ओके, इसने शॉर्ट डांस यूज़ कर लिया है, ये काफ़ी गलत बात है बट या लेट्स सी। दो बार शॉर्ट डांस, ओ माय गॉड, नहीं यार प्लीज़ नहीं। ओके, स्पीड गिरा दी मैंने इसकी, और एक नंबर, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ दो बार स्वॉर्ड डांस यूज़ करने का ब्रो, सीरियसली डोरालोडॉन के सामने किसी की नहीं चलती यार। एक नंबर, मेरे को लगा था कि काफ़ी हार्ड होगा बट नहीं, इतना हार्ड नहीं था ये। ओके, ये आखिरी पोकेमॉन, हैंग इन देयर जस्ट अ लिटिल मोर, तेरा आखिरी पोकेमॉन है ब्रो मुझे बोल रहा है, ये तो चला गया काफ़ी इजीली। हम लोगों ने बग्जी को हरा दिया लिटरली, मेरा आई गेस
एक ही पोकेमॉन फेंट हुआ है, वो भी मेरा बेट था, मतलब ठीक है कहीं कोई बात नहीं। आई एम नॉट जस्ट सिंगल, आई एम अ फ्रिकिंग लूजर टू, कोई बात नहीं ब्रो। फ्रेंकली आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, आई हैव बीन फीलिंग लोनली सो माई मूड्स डाउन। हे डोंट लुक एट मी लाइक दैट, वेल आई विल गिव यू माई सिग्नेचर TM, परहैप्स दैट विल गिव यू अ हायर ओपिनियन ऑफ मी। यू टर्न ओके, कोई बात नहीं, मे बी यू नीड टू बेल, सो रैदर दैन जस्ट स्विचिंग यू कैन पॉप अप यू टर्न ओके ओके, इट्स अ ग्रेट फॉर कीपिंग मोमेंटम टू। हाँ मुझे पता है ओके इसने 5 नेस्ट बॉल भी दी हम लोगों को। एनी हू, इट्स नाइस मीटिंग यू बट आई कैंट हैंडल मोर ऑफ दिस रोमांटिक सीनरी, आई विल बी टेकिंग माई लीव। अच्छा इस सीनरी के बारे में बात कर रहा था वो, कोई बात नहीं। वेट, मैं हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? वेट, मैंने ये ट्रेन के साथ फाइट नहीं किया तो मैं इसको अवॉइड करना चाहता था, बट क्या जबरो यार, मतलब मेरे को जब भी, ओह इसके पास एक ब्लेजी गन है, नाइस। ड्रैकोल्स तो मतलब नहीं लड़ पाएगा, बट एरिलिस आई गेस काम करना। ओह माय गॉड, ड्रैकोल्स ओपी, मतलब हमारा मतलब स्टार्टर पोकेमॉन है तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए ना गाइस। ऐसे कैसे हम लोग किसी को भी हमारा स्टार्टर पोकेमॉन चूज़ नहीं करते, उसमें उस पोकेमॉन में कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो हम लोगों ने इसको चूज़ किया एज अ स्टार्टर पोकेमॉन। ओके नाइस, डोरालोडोन तो ऑलरेडी ओपी है, मैं क्या बोल रहा हूँ। बट या गाइस, हम लोगों ने इसको काफ़ी इजीली हरा दिया। अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आपको विदाउट एनी ट्रेनर, अगर आपने सबको हरा के रखा है तो अच्छी बात है, बट अगर आपने किसी के साथ बैटल मिस किया है देन आपको यही रास्ता चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं देगा। यहाँ पे एक बार पोकेमॉन हील कर लेते हैं देन आई गेस नीचे जाना है हम लोगों को। ये गेम आई नो आप लोगों ने बहुत बार खेल रखा है, बट रेडिकल रेड में क्या होता है ना कि ये गेम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, या फिर आई नो मैं इसका इजी मोड खेल रहा हूँ बट फिर भी थोड़ा तो हार्ड ही है ही ना ये गेम। हे स्टे आउट, इट्स नॉट योर यार्ड ओके। मी, आई एम एन इनोसेंट बाईस्टैंडर, डोंट यू बिलीव मी। नहीं ब्रो, टीम रॉकेट के कपड़े पहने हुए किसी को भी मैं बिलीव नहीं करता। वेट, मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा, मेरे पास कोई भी वाटर टाइप नहीं है ना अब तक। कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी घास आएगी तो वहाँ पे मैं मोस्टली तो मतलब बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ लूँगा। यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, एक काम कर लेते हैं, मैजिकल लीफ वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो अंडर है, ज़मीन के नीचे बट चलो यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको काफ़ी इजीली हरा दिया। आई वी सोल का जो स्पेशल अटैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके एक कॉर्विसिकर के लिए ड्रैकोजोल्ट नाम है उसका। ओके मैं इसको ड्रैकोल्ट्स बोलता हूँ, बट ओके कोई बात नहीं। टॉन्ट यूज़ किया उसने, टॉन्ट का मतलब यही होता है कि हम लोग सिर्फ अटैक मूव्स यूज़ कर सकते हैं स्टेटस को लोअर करने वाले, या फिर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पैरालिस, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी मूव स्टेटस को इफेक्ट करते हैं वो मूव यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ओके मेरे सारे पोकेमॉन डबल एच सीख रहा है, डबल एच सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू एक स्पेशल अटैकर पोकेमॉन है फॉर मी, सो मैं तेरे को अटैक वाले मूव्स नहीं सिखाऊंगा। ओके आई विल रिटर्न द TM आई स्टोल। ओके हम लोगों को क्या मिला, TM 28, आई बेटर गेट मूविंग, बाय बाय ब्रो। ओके मैं इसको बाय क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो यहाँ पे ट्री है जो कि हम लोग अभी कट नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है। वेट मैं काफ़ी मतलब देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन से पोकेमॉन्स मिलेंगे मुझे, ये कौन सा पोकेमॉन है मुझे नहीं पता गाइस, अगर आपको पता रहेगा तो बता देना ये कौन सा पोकेमॉन है। पूरा इलेक्ट्रिक टाइप है, मुझे नहीं पता, मैं एस्केप भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? कोई लेजेंडरी पोकेमॉन है क्या ये? गाइस अगर आपको पता रहेगा तो मुझे बता देना। फाइनली मैं यहाँ से निकल गया, पता नहीं कौन सा पोकेमॉन था वो, एक बटरफ्री, नहीं और कोई अच्छा पोकेमॉन, कोई तो आ जाओ। एक रॉकरब, ये भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, मैं इसको ज़रूर पकड़ूंगा बट नेक्स्ट टाइम, मैं ऑफलाइन में सारे पोकेमॉन पकड़ना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी पकड़ूंगा फिर उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इट्स बेटर कि मैं ये सब ऑफलाइन ही करूँ। ओके यहाँ पे अलग से घास बना के रखी है, ओके ये डे केयर है, इसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। एंड हम लोग यहाँ से तो अभी एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ आई नो वेट लेट से मतलब लोग चेक कर लेते कि यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे दिखाते कुछ और ही है, ये क्या है, ये दो मतलब ओल्ड अंकल और यहाँ पे एक थोड़े से काइंड ऑफ अडल्ट है, अडल्ट से तो ये थोड़े से मतलब ज़्यादा ही एज में है, बट कौन सा पोकेमॉन ले लूँ मैं, चलो इनके साथ जाना प्रेफर करेंगे। तीन पोकेमॉन चूज़ करूँगा मैं, चार्मेलियन, डुरालोडॉन एंड माचैम्प। ओके लेट्स सी कौन सा पोकेमॉन आएगा, रैंडमाइज है तो कोई भी आ सकता है। ओके एक विगली टफ, वो भी जैगेंटामैक्स विगली टफ, आई जैगेंटामैक्स ने डायनामैक्स विगली टफ या फिर जैगेंटामैक्स क्या पता, द वाइल्ड विगली टफ फ्रिक्स। ओके ओके इसकी एबिलिटी फ्रिक्स, दैट्स मीन मैं होल्ड आइटम यूज नहीं कर सकता। मैं ना इसके सामने पहली बार तो मैक्स फ्लेयर करके देखते हैं। वो इसका एनिमेशन तो काफ़ी अच्छा है, इवन तो कुछ किया नहीं बट हाँ काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रो वेव, इसने इसकी स्पीड गिरा दी। कॉर्न्स हो गया, आई गेस कॉर्सोलास हो गई। ओके सनलाइट स्ट्रॉन्ग ही गाइस, मैक्स फ्लेयर एक और। मेरे पे नहीं यूज़ कर रही, अच्छी बात है। मेरा डायनामिक्स चला जाएगा आई गेस। मैक्स स्टारफॉल, OMG अटैक्स का एनिमेशन तो बहुत ओपी है। लेफ्ट ओवर भी है इसके पास। ओके मेरा डायनामिक्स चला गया जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेट्स ट्राई फ्लेम बस्ट। यार क्या इलेक्ट्रोवेव करके सिर्फ अटैक गिरा, मतलब स्पीड गिरा रही है, कुछ थोड़ा डैमेज भी दे दो। ओके डैमेज दिया। सनलाइट अभी भी है, दैट्स वाई मेरे जो फ्लेम बस्ट का डैमेज है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके इलेक्ट्रोवेव आई गेस ख़त्म होना चाहिए। ओके फाइनली हम लोगों ने हरा दिया इसको, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा गाइज, ये कोई मतलब इतना भी रियर पोकेमॉन नहीं है एंड मुझे वैसे भी नहीं, मेरे को नहीं पकड़ना। देखते हैं मेरे को कौन सा आइटम्स मिलेंगे यहाँ पे। क्विक बॉल्स मिले, अल्ट्रा बॉल्स भी मिले, नाइस। एंड ये कौन सी बेरी मिली, ये फेल्ड रिड्यूस डैमेज टेकन फ्रॉम सुपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक मूव्स। ओके और ये क्या मिला, एबिलिटी पिल, अ पिल दैट कैन स्वैप अ पोकेमॉन्स एबिलिटी। ओके नाइस, मेरे को फ्री में मिली, मेरे को खरीदना पड़ा आई गेस, मेरे को लगा था कि खरीदना पड़ता है बट यहाँ पे फ्री में मिली। हाई डू यू हैव कार्बिंग, वांट टू ट्रेड विथ माय, नहीं मेरे को किसी के साथ ट्रेड नहीं करना और मेरे पास वो जो तू पोकेमॉन मांग रही है वो मतलब जो तेरे को चाहिए वो भी नहीं है। आप क्या बोलोगी, पीपल ऑफन लूज थिंग्स इन द डार्कनेस ऑफ द अंडरग्राउंड पाथ। ये मतलब मेरे सामने ये तो नहीं होता, मतलब मेरे साथ नहीं होता ये सब। ओके यहाँ पे वेनो, ओके TM63 वेनो शॉक मिला। यहाँ पे सिट्रस बेरी मिली हम लोगों को, नाइस। यहाँ पे एक डैन भी है बट हम पहले तो एक काम कर लेते, बैटल करके जाएंगे, मैं इन सब से ऐसे छुप छुप के नहीं जाऊँगा। मेरे को देखना है ना कि मतलब आज के एपिसोड में तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको चैलेंज नहीं करने वाला क्योंकि उसके थोड़े कुछ ज़्यादा ही पोकेमॉन लेवल में आई गेस हाई रहेंगे, तो मैं अभी तो नहीं जाऊँगा इसके साथ चैलेंज करने के लिए। ये कौन सा पोकेमॉन है, स्टीनी आई गेस, ओ प्रॉपर ग्रास टाइप है। ओके क्लॉइडस्टर के लिए भी मैं ऐसे को रखना पसंद करूँगा। ये पोकेमॉन दिखने में बहुत ओपी है गाइस, ऐसा लगता है कि मतलब लगता क्या है, मतलब बहुत ओपी लगता है, बस मुझे बस इतना ही बताना है कि बहुत अच्छा लगता है ये पोकेमॉन दिखने में। मैं किसी से नहीं डरता, मेरे साथ जितनी भी लोग बैटल करना चाहते हो कर सकते हो। आई हैव नेवर सीन यू अराउंड, आर यू गुड, यस आई एम, गैसली सीरियसली ब्रो, ईजिली हरा दूँ तेरे को तो मैं। अगर ये नॉर्मल फायर रहता तो इसके पास आई गेस बटरफ्री होती है बट इसके पास अभी गैसली है जस्ट बिकॉज रैंडमाइज है ना। यहाँ पे डबल बैट, एक मिनट यहाँ पे रॉकटॉम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये क्या गाइज, अगर आपको पता है अगर आपने गेम खेला है तो गाइज अब मुझे आप लोग बताना जो ये यहाँ पे रॉकटॉम ये जो भी है ये रॉक के पीछे जो वो आइटम छुपा है ना वो क्या है, मुझे बताना ज़रूर, मुझे नहीं पता एटलीस्ट, मैं खेला ही नहीं इतना गेम। ओके बैटल करोगी आप, ठीक है आ जाओ। ओके एक ड्रैगन टाइप,
बट हम लोग एरियल इसके साथ ही जाना प्रेफर करेंगे। बाइट ओके कोई बात नहीं। ग्रीनिंजा ओ माय गॉड, ग्रीनिंजा के लिए आई वी सॉरी काफ़ी है। हम मेगा ट्रेन से चूस लेंगे ग्रीनिंजा की सारी जो भी उसकी। ओके क्विक अटैक गाइस, ग्रीनिंजा मुझे कब मिलेगा गेम में यार। एक स्किप लूम के लिए 4 मिलियन यार, ये तो 4000 में जब भी होगा ना। आप लोगों ने मुझे बता तो दिया है कि ये सेलिडॉन सिटी में मिलेगा मुझे, वो सेलिडॉन या फिर कोई तो सिटी का नाम दिया था जिसमें मेरे को मेगा स्टोन मिलेगा। बट हाँ बहुत टाइम है उसके लिए आई गेस, बट ठीक है कोई बात नहीं। तू भी बैटल करेगा आई गेस ओके। ये कौन सा पोकेमोन है? इलेक्ट्रिक एंड साइकिक टाइप, दिखने में कितना अजीब पोकेमोन है कि डिसेबल कर दिया उसने। कोई बात नहीं, मैं तेरे को एरियल ओके एक्वाजेट, मैं तेरे को एरियल से मारूंगा। एक रैटिकेट के लिए माचैम ओके। अलोलन रैटिकेट है, ये नॉर्मल एंड डार्क टाइप होता है ना, तो लो स्वीप सुपर इफेक्टिव तो होने ही वाली है। जेनेट बट ओके सुपर इफेक्टिव अटैक मेरे सामने, बट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मुझे ओके। माचैम 32 का हो चुका है गाइस। माचैम बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है फिजिकली। वेट मेरे को पोकेमोन हील करने हैं सबसे पहले तो, एंड देन आगे देखेंगे। हाँ आगे हम लोगों को शिप वाला मिशन करना है ना, SSN वाला। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये कौन है इससे बात कर लेते हैं। आई गेस हम लोगों को फिशिंग रॉड देगा। गुड रॉड मिली मेरे को ओके थैंक यू ब्रो। एंड यहाँ पे एक और मिशन रहता है, इन अंकल से बात करनी है। देन वो हम लोगों को बाइसिकल देंगे। मेरे को ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हम लोगों को यहाँ पे इनकी बातें सुननी है। देन हम लोगों को बाइक वाउचर मिलेगा जो कि हम लोग सेलिडॉन सिटी में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी एक्सचेंज करके आएंगे क्योंकि इस गेम में हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ये वाला पोके राइड यूज़ करने का। तो हम लोग यहाँ से ही सीधा जाएंगे सेलिडॉन सिटी। ये रहा बाइक वाउचर, अभी चेंज कर लेते हैं। इसमें बाइक नॉर्मल ही होगी कि आपको चेंज किया? आई गेस नॉर्मल ही होगी। लेट्स सी, मेरे को पहले चेक करना है। रजिस्टर कर दो देन ओके नॉर्मल ही है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। एटलीस्ट थोड़ा फास्ट तो ट्रैवल कर पाएंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को रिटर्न जाना है यार। ये फास्ट फॉरवर्ड में है ना ये दिक्कत होती है। वेट, अरे क्या हो रहा है ओके वर्मिलियन सिटी। चलो हम लोगों ने ये वाला मिशन भी कर दिया। हाय देयर यू आर अ ट्रेनर आरंट यू, आई हैव एन नहीं ये सब स्कैम होता है। 5000 ले लेते हैं साले, कुछ पोकेमोन से निकलता नहीं है कुछ। सॉरी मैंने दूसरा वर्ड बोला बट सॉरी, बट यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है यार। मेरे को लगा था कि RCS निकलेगा बट कुछ निकलता ही नहीं है। वो जो पहला वाला एक था मेरे साथ जो स्कैम हुआ था उसमें से निकली क्या वो एक लेवल की क्या नाम है उसका, वो साइकिक एंड आइस टाइप पोकेमोन है ना, वो जिंक्स निकली थी एक लेवल की। ऑब्वियस ही बात है अंडे से निकला तो पोकेमोन एक लेवल की होगा, बट फिर भी यार बहुत बुरा लगता है 5000 दिए एक लेवल के जिंक्स के लिए। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज मेल विथ ऑल शॉर्ट्स ऑफ पीपल, आई सेंड माई PG टू यूनियन रूम टू एक्सचेंज मेल फॉर मी। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है? ओ ब्रेंडन, ओ हे ओमकार, इट्स बीन वाइल, आई हैव स्नैक 2 badges सिंस वी फर्स्ट मेट। मेरे को भी, मेरे पास भी 2 badge है ब्रो। यू टू, हाँ आई थॉट सो। लेट्स पुट ईच अदर टू द टेस्ट ओके। ठीक है ब्रो आ जा। लास्ट टाइम जब मैंने इसको हराया तो तब ये काफ़ी वीक था। लेट्स सी अभी क्या ये वीक नहीं है, ये अभी भी वीक ही आएगा। माचैम आइस बीम, सीरियसली ओ माय गॉड फ्रोजन हो गया मैं। वेट फुल हील है क्या मेरे पास? ये क्या बात हुई यार, फ्रोजन कौन होता है सीरियसली ब्रो? अरे डीफ्रोज हो जा जल्दी, ये क्या बात हुई यार। ओके देर आया दुरुस्त आया,
एक्वा जेट, ओके ये ख़त्म हो जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। ड्रैकोल्स को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, थंडर शॉक, एक्वा जेट, ओके कोई बात नहीं। इसका ये पोकेमॉन काफ़ी जल्दी इवॉल्व हो गया, नाइस यार। फ्रीज होने के बाद भी मेरे माचैप ने काफ़ी अच्छा किया गाइस। मैं टैंक 25 का हो चुका है, लाउड रेड फिर से आ रहा है, चलो इसी को रखेंगे यहाँ पे। मैं एरियलेस यूज़ करना पसंद करूँगा इसके सामने। अरे नहीं यार, आइस बीम सुपर इफेक्टिव होगी, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, स्टार्ट हो चुका है तो अभी एंड भी इसी के साथ ही करेंगे हम लोग। हटा ही दिया इसने, ओके इसके पास एक लूना टोन भी है। वेट मैं काम करता हूँ, चलो इसको फेंट होने देते हैं, कोई बात नहीं। शाई शॉक भी आता है इसको, वेट आईवी सॉर है ना, डोंट वरी गाइस। एक मैजिकल लीफ, ओके शाई शॉक आई नो सुपर इफेक्टिव अटैक है इसके सामने। क्या फेंट हो गया लिटरली, ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया मेरे पास आई गेस। हाँ मेटल क्लॉ है, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी भी डोरालोडॉन है जो कि इसने हिप्नोसिस अवॉइड कर दिया। एर यू आर ओ पी मैन, आई लव यू, जस्ट डोरालोडॉन आई जस्ट लव यू। ग्रो वाइल, ओके ग्रो वाइल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 4 मिलियन का। ये पोकेमॉन पावर अप पंच, सीरियसली अटैक बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं पहले जिंदा तो रह ले। ओके सिट्रस बेरी, मेरे को भी मेरे पोकेमॉन्स को कुछ ना कुछ होल्ड करने देना चाहिए। ओ रॉक टॉम, नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने फिर भी हैंडल कर दिया। मेरे को भी सिट्रस बेरी आई गेस ख़रीदनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पर मिलती है। एक इसका आखिरी पोकेमॉन लाउड रेड है, हम लोग इसको यहाँ से इसको हरा देंगे, कोई बात नहीं। मेरे पास आई गेस फाइटिंग टाइम मूव था कोई, तो रॉक स्मैश है तो हम लोग इसको हरा देंगे। ओके ब्रेंडन को फाइनली मैंने हरा दिया, आई नो थोड़ी दिक्कत हुई थी बट या हम लोगों ने इसको फिर भी हरा दिया। यू आर सीरियसली जस्ट अ स्टेप अहेड ऑफ मी, इट्स एडमायरेबल रियली, आई हैव गॉट अनदर यूजफुल आइटम फॉर यू माई फ्रेंड। ओके दो लकी एग मिल गए गाइस, ये लकी एग तो हमें पता ही है, अगर हम लोग किसी को होल्ड करने देंगे तो हमें जितना भी एक्सपीरियंस नॉर्मल बैटल लड़ने के बाद आता है उससे ज़्यादा मिलता है, तो मैं ऑब्वियसली बात है लकी एग किसी ना किसी को होल्ड करने ज़रूर दूंगा, मैं दोनों दूंगा ऑब्वियसली बात है। सबसे पहले तो मैं लकी एग किसको दूंगा गाइस, आई गेस वेट मेरे को बैग में जाना पड़ेगा सबसे पहली बात, तो लकी एग यहाँ पे नीचे आएंगे। एबिलिटी पिल भी है, ओ तीन तीन एबिलिटी पिल है, मतलब मैं तीन पोकेमॉन की एबिलिटी स्विच कर सकता हूँ। आप लोग मुझे बताना ये मैं तीन किन पोकेमॉन के ऊपर यूज़ करूँ, बाकी फ़िलहाल तो यूज़ नहीं करना, गिव करना है। सबसे पहले 4 मिलियन को दूंगा एंड एक हमारे स्टार्टर पोकेमॉन को दूंगा आई गेस, हाँ इसी को देना चाहिए। चलो वी आर गुड टू गो, हम लोगों को अभी वो बोट वाला मिशन भी करना है, इसको तो अभी हम लोग बाद में चैलेंज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी चैलेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके ऐसे सेल में हम लोग घुस चुके हैं, नाइस। यहाँ पे थोड़े बहुत आई गेस, मैंने ये बहुत बार खेला हो तो मुझे पता है कहाँ 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 क्या क्या होता है। यहाँ पे नहीं, इसके बाजू वाले रूम में एक आई गेस आइटम होता है जो कि मेरे को चाहिए। अंकल आप पीछे मत देखना, एक रेयर कैंडी, नाइस। ओके अंकल को बैटल करनी थी हमसे तो कोई बात नहीं, एक गोलेट। आयरन डिफेंस से अपना डिफेंस बढ़ा दिया बट कोई बात नहीं। मार्च मेगा बन चुके हैं, आई वी सॉ 32 का हो चुका है। ओके ये तो आई गेस वाटर एंड आइस टाइप होता है आई गेस, जी हाँ वाटर एंड आइस टाइप। ब्राइन नाइस, चलो इसको तो काफ़ी इजीली हरा दिया मैंने और बिकॉज ऑफ लकी एग मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है एज वी कैन सी गाइस। वो हमारा ये इवॉल्व हो रहा है, नाइस। हाँ ये तो 32 का इवॉल्व हो जाता है, बाकी के दोनों को 36 लेवल लगता है, तो गाइस काफ़ी अच्छी बात है हमारे पास अभी एक फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर पोकेमॉन आ चुका है। पेटल डांस आई गेस फिजिकल अटैक है, नहीं फिजिकल नहीं है, तो फिजिकल नहीं है तो मैं ऑब्वियसली बात है सिखाऊंगा। स्लज रहने देता हूँ, मेगा ड्रेन भी रहने देता हूँ, लीड से डरा हटा दूँ क्या,
आई गेस लीड सीड नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि अगर वो काम में भी आती है तो मैं आई गेस क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई गेस मैजिकल लीफ हटा देता हूँ मैं। ओके यहाँ पे आई गेस थोड़े और कुछ आइटम्स होते हैं, यहाँ पे एक और आइटम था तो इनसे मतलब ये थोड़ा वर्थ इट है आइटम्स को देने के लिए। वेट एक अभी 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 इवॉल्व हुआ पोकेमॉन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई गेस इसका काम हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। बाइट फिर से, इसका बाइट थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है डायनासोर पोकेमॉन जैसे ही है ना, तो उनके मतलब जो उनका जो जबड़ा रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये कौन सा पोकेमॉन है? अच्छा ये अजीब ही नाम है यार सबके। वेट मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। फेंट अटैक के एक फ्लेम बस्ट ब्रो एंड यू आर गॉन। मैं टैंक 26 का हो गया, बुलेट पंच सीखना चाहता है। सिखा देंगे उसको हम लोग। कौन सा अटैक हटाऊँ आई गेस? नहीं छोड़ो मैं कोई नहीं हटाऊँगा। ये कौन सा पोकेमॉन है? अच्छा ये फेरी टाइप पोकेमॉन। फेरी टाइप के लिए हमारे पास डुरालोडॉन है, उसके पास एक स्टील टाइप है मून ब्लास्ट। ये इसके सामने सुपर इफेक्टिव, आई नो ये सुपर इफेक्टिव मूव है इसके सामने आई गेस है कि नहीं, होनी चाहिए थी यार, ये ड्रैगन टाइप तो है ना। पेटल डांस भी आता है इसको, नाइस। क्रिटिक कुछ भी नहीं हुआ यार। डुरालोडॉन बहुत ओपी पोकेमॉन है गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इसका जो टाइप एडवांटेज है ना इसके पास, वो किसी पोकेमॉन के पास नहीं होता। मतलब काफ़ी अच्छी जो डुअल टाइपिंग है इसकी, नाइस। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पोकेमॉन है ये। इसने मेरे को कितने बार बचाया है मतलब ऐसे सिचुएशन में। अभी आप लोग देख लो ना, ब्रेंडन के साथ अगर ये पोकेमॉन नहीं होता तो मैं यहाँ पे पक्का हारता। ये क्या है, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक पोकेबॉल है जो कि मैं ले लूँगा। ओके सुपर पोशन, थैंक यू। चलो आगे जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा रेस्ट रूम होता है गाइस। ये लड़की हमारे पोकेमॉन हील करके देती है, थैंक यू। और अभी हम लोग सीधा जाएंगे गैरी के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पे किचन में एक आइटम होता है जो कि मेरे को कलेक्ट करना है, ग्रेट बॉल, नाइस थैंक यू। एंड ऊपर भी सेकंड फ्लोर पे आई गेस कुछ आइटम्स हैं जो कि मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऊपर, जो कि यहाँ पे भी दो तीन आइटम्स हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा संभल कर जाना है क्योंकि यहाँ पे फाइट्स होती है यूजुअली, जो कि मैं ऐसे अवॉइड करूँगा। वेट ओके इनके साथ फाइट होनी है, ओके कोई बात नहीं कर लेंगे। दो ही पोकेमॉन है, ठीक है कोई बात नहीं। पोकेमॉन से चेंज करना पड़ेगा विनसॉर। यार क्या डिग कर लेता है यार ये पोकेमॉन। मैं स्लज यूज़ करूँगा जो कि इसके सामने ऑब्वियसली बात है ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। वेट मेरी एचपी लिया ना, मेरी सारी एचपी रिटर्न दे आई मेरे पोकेमॉन की। एक रोकेड़ी, एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, आई नो। ये पोकेमॉन भी काफ़ी ओपी है गाइस, इसका जो एंड वाला कॉर्बी नाइट वाला जो फॉर्म है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे को बैटल नहीं करनी यहाँ पे, मेरे को आई गेस नहीं आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे भी बहुत सारे डोर्स में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग एक मिनट गैरी के साथ आई गेस में फ़ाइट करने के लिए रेडी तो हो ना? हाँ आई गेस आई एम रेडी, चलो देखते हैं। वेट गैरी नहीं आया यहाँ पे, ये क्या सर मेरे से कुछ मिस हो गया क्या? यहाँ पे गैरी फाइट करने नहीं आया? आई फील आइडियस, ओके ये क्या है, गैरी वाला इवेंट हुआ ही नहीं गाइज यहाँ पे। यू थैंक यू, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, यू वांट मी टू सी माय हिडन कट टेक्निक। अरे जल्दी दे ब्रो यार, मेरे को जानना है। वैसे भी मेरे जाने के बाद ये मतलब ये डूबने वाली है। यूजिंग कट यू कैन चॉप डाउन स्मॉल ट्रीज, आई नो ब्रो। वेट गैरी यहाँ पे आया ही नहीं गाइज, मतलब मुझे समझा नहीं, कुछ मिस हो गया क्या मेरे से? आई गेस मतलब अभी हम लोग जाएंगे तो ये शिप आई नो ये चली जाएगी, बट गैरी वाला इवेंट क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था आई गेस, बट ठीक है कोई नहीं बात। मतलब अगर आपको पता रहेगा रीज़न उसके पीछे गैरी वाला इवेंट क्यों नहीं हुआ इस गेम में, देन बता देना मुझे ज़रूर।
एंड आई गेस अभी हम लोग कट यूज़ कर सकते हैं विदाउट टीचिंग एनी पोकेमॉन। जी हाँ, ये तो इस गेम की का मतलब खूबी है या फिर की फीचर है कि हम लोगों को कोई भी पोकेमॉन को कोई भी टीएम सिखाना नहीं, टीएम आई मीन एचएम सिखाना नहीं पड़ता। एंड यहाँ से हम लोग रियल डिग्लेट क्यों को एक्सेस कर पाएंगे। वेल इजेंट दिस अ सरप्राइज, डिग्लेट डग दिस लॉन्ग टनल, इट गोज़ राइट टू द विरिडियन सिटी, दे टेल मी। वो उनसे आपने बात की? ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास रिपेल साइंगस होने चाहिए, होने चाहिए, है रिपेल है। चलो इससे मतलब ये इसके उस जो इस जो केव के मैं क्या बोल रहा हूँ, आई मीन इस केव के जो सेकंड एंड है ना, या फिर जो भी एंड है उसके उस साइड है ना, कुछ तो है जो कि हम लोगों को देखना है। ओके, रेस्ट मिला, ओके कोई बात नहीं। हेलो, रुक रुक रुक, मेरे को बात करनी है। आई वेंट इन साइड द रॉक टनल बट इट्स पिच ब्लैक। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे फ्लैश चाहिए। ये रही रियल हमारी रॉक टनल। वेट, ये क्या है? अच्छा, ट्री था, हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वो। हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ, यहाँ पे तो हम लोग आए थे। रिपल खाली फुकड़ में यूज़ कर लिया है मैंने, बट कोई बात नहीं। अ फेंटेड पोकेमॉन जस्ट हैज़ नो एनर्जी लेफ्ट टू बैटल, इट कैन स्टिल यूज़ मूव कट लाइक आउटसाइड। मुझे पता है ब्रो, एब्रा और मिस्टर माइंड नहीं है एब्रा मेरे पास, सॉरी ब्रो। यहाँ पे हम लोगों को फ्लैश की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैंने रॉक टनल मेरे को पार करनी है तो मेरे को फ्लैश ज़रूर सिखाना पड़ेगा। आई गेस मैंने बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ लिए, मेरे को फ्लैश मिल चुका है, दैट मीन्स मैं फ्लैश यूज़ कर सकता हूँ। वन से पोकेमॉन लर्न फ्लैश, हाँ हाँ मुझे पता है, पता है ब्रो। यहाँ पर नीचे थोड़े से आइटम्स छूट गए हमसे, ये छूट गया। ओके, चार्ज बीम, ओके आई गेस यहाँ से हम लोग उड़ के जाएंगे सीधा अभी, क्योंकि चल के जाना या फिर कौन यूज़ करेगा यार हम लोग, जब यहाँ से सीधा जा सकते हैं ना यहाँ पे। ओके, आई गेस हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया आज के एपिसोड में। थोड़ा सा ये एरिया एक्सप्लोर करना चाहूँगा, मेरे को देखना है यहाँ पे कौन से पोकेमॉन आते हैं। मॉर्ग्रेम, इसको तो मैंने मेरी टीम में रखा है, आई नो ये था मेरे टीम में। ये पोकेमॉन इतना क्यों आता है यार, मुझे नहीं चाहिए ये पोकेमॉन। कोई अच्छा पोकेमॉन। ओ माय गॉड, एक स्कैम्पटाइल। बट नहीं यार, मेरे पास वीनसॉर है तो मैं किसी को ऐसे चीट नहीं कर सकता, वीनसॉर बुरा मान जाएगा। ये फिर से आ गया ब्रो, नहीं चाहिए तू मुझे। आई गेस तू दीदी थी, बट ठीक है, फीमेल थी। फिर से एक स्कैम्पटाइल, नाइस। ये क्विक अटैक मार के जा रहा है यार मुझे, वेट। अरे नहीं करनी यार बैटल, रुको रुको रुको, अगर यही आ रहा है ना तो मैं 4 मिलियन को आगे रखूँगा। एंड देन आ जाओ, अभी आ जाओ ब्रो, मैं चाहता हूँ तू आ अभी मेरे सामने। ओह, यहाँ पे एक, ये कोई तो ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है, आई डोंट नो ये कौन सा पोकेमॉन है, बट अगर आपको पता रहेगा तो मुझे बता देना। एंड जैसे मैंने पोकेमॉन चेंज किया तो पोकेमॉन जो वाइल्ड पोकेमॉन्स थे वो भी चेंज हो गए हैं। ये काफ़ी वियर्ड बात है, बट या ओके, एक आरबॉक, नाइस। मेरे को देखना है यार कोई नया, सॉरी मैं घास में चलने का था मुझे, बट मैं बाहर चल रहा था, आई नो। कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं आ रहा है अभी, स्कैम्पटाइल नहीं आ रहा यार, मुझे जब चाहिए था तब को नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं। आई गेस आज का एपिसोड मैं यही पेंट करूँगा। वेट, मेरे को आई गेस इनके चमचों को हराना पड़ेगा। देन एक मिनट, ये क्या है? मुझे पता नहीं है गाइस, ये जो है ना, ये जो भी है मुझे बता देना अगर आपको पता है क्या है। एंड वेट, मुझे इसके चमचों को हराना पड़ेगा, देन ओनली मैं इसका अनलॉक कर पाऊँगा। तो इसके चमचों को पहले मैं इजीली हरा दे, 28, ओके। इवन दो मेरा, आई नो मेरा ये इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके पास ओके इलेक्ट्रिक टाइप है ना, ओके वीनसॉर। मैं लीड सीट क्योंकि आई डोंट नो, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं चाहूँ तो इसको एक झटके में हरा दूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, विनसोर 33 का हो चुका है गाइस, नाइस। एक और इसके लिए मैं माचैम का यूज़ करूँगा, नॉक ऑफ। ओके, लीड सीट डाल दिया इसने, कोई बात नहीं।
मैजिकल लीफ, एक और नॉकआउट के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा डैमेज पड़ रहा है बट कोई बात नहीं, ख़त्म। माचैम भी 33 का हो चुका है गाइज, और डुअल चॉप सीख रहा है। ये काफ़ी अच्छा अटैक होता है बट इसका एक्यूरेसी कम है तो मैं नहीं सिखाऊंगा। वेट, इसका डैमेज कितना था? मैंने 40 देखा है गैस। आप लोग मुझे बताना, आप लोग इस वीडियो को देखोगे ना तो मुझे बताना डुअल चॉप का डैमेज कितना था, मैंने देखा नहीं ध्यान से। 40 था क्या? क्या पता, ये बीम वाला चक्कर। हाँ आई नो, मेरे को सबसे पहले इन सबको हराना पड़ेगा। आ जा ब्रो, तू भी बैटल कर रहे। एक सैंड स्लैश, नाइस। वीनसोर के लिए तो ये जिम काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हैं वीनसोर के लिए। एक मेगा ड्रेन में चूस लूँगा मैं इसको पूरा। वेट में आपको ओके, लेवल गैप आई गेस 33 की लेवल गैप है। नहीं नहीं, किसी कोई पोकेमॉन के लिए तो लेवल गैप हो चुकी है। ये वाला पोकेमॉन तो मैंने आई गेस ये गलार रीजन का पोकेमॉन है। टेक डाउन, ओके। मेरी एचपी रिटर्न दे दे। एक और, चलो खुद ही चला गया, कोई बात नहीं। ओके, इसके साथ भी बैटल करनी होती है। एक ही पोकेमॉन है केक्लियन, आई नो। ये पोकेमॉन को जिस टाइप से भी हिट करेंगे वो उस टाइप का हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसको पहले एरियल से हिट करेंगे जिसका कारण ये मतलब फ्लाइंग टाइप हो जाएगा, देन हम लोग इसके ऊपर रॉक टर्म यूज़ करेंगे जिससे ये सुपर इफेक्टिव अटैक्स है फेंट हो जाएगा। नाइस, आई गेस 34 लेवल गैप है, तो जो पोकेमॉन के लेवल होने वाले हैं वो 34 के आसपास होने वाले हैं। यहाँ पे मेरे को बस इसको खोलना है, आई गेस मैं बाद में खोल लूँगा, कोई बात नहीं। बट या आई गेस आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो गया, मैं इधर किधर घुस गया। वेट, बात कर लेते हैं। हाई, डू यू हैव अ कॉर्विसिकर वांट टू ट्रेड विथ माई फारफेज? पागल है क्या, फारफेज के साथ कॉर्विसिकर को कौन ट्रेड करेगा? कॉर्विसिकर मतलब बहुत अच्छा है, फारफेज जितना भी अच्छा नहीं है। ओके गाइज, आई गेस आज का एपिसोड मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बता देना आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, एंड कल आएगी फायर एज की वीडियो, तो मिलते हैं कल। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड सायोनारा।